सीजन, नया सेट, नए जज, जोरदार तालियां इनके लिए। वाह भाई वाह। बड़े बुजुर्ग कहते हैं अपने से नीचे वालों को देख के खुश रहा करो। और राहुल रॉय कैसे हो? बिना पंच के कौन है सर? अरे चंकी पांडे जी, आप यहाँ बैठे। इसे कहते हैं ऑडियंस। एनीवे, बट रणबीर कपूर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। ये पहले वो शख्स हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर आते से ही छोटे पर्दे का सहारा लिया। और दूसरी बात है, वो छोटा पर्दा थोड़ी देर बाद खुल गया। ये ठीक करो ना रणबीर भाई, फर्स्ट क्लास। ओके ओके ना, जोकर तो नहीं लग रहा ना मैं? नहीं नहीं, अगर लग भी रहा हूँ तो सिरीज फरा के जोकर से तो अच्छा ही कर रहा हूँ मैं। मेरा यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, वैसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। राजीव ठाकुर रहा नहीं, मेरा कौन कॉम्पिटिशन होगा यार? अब तो लास्ट मुझे ही आना है। क्या ठीक है भाई, कौन है मेरा पार्टनर, भेजो भी उसे बाहर। वाला रणबीर कपूर तो यहाँ बर्फी प्रमोट करने आया, तू क्या लड्डू प्रमोट करने आया है? अबे आई एम नॉट लड्डू, माई सेल्फ जॉर्डन, जॉर्डन। ए तुम इसे बात कर, मैं अपने इलाके का रणबीर कपूर हूँ। जैसे तुम यहाँ के डैनी हो। बक्तावर सिंह, तुम्हारे राज में ये क्या हो रहा है, देख रही हो तुम? क्या हो रहा है निकुल भाई? किस आपने बोला था कोई हॉट सी पार्टनर देने वाले हो आप मुझे, ये क्या तवा उठा के पटक दिया आपने मेरे सामने? हाय अर्चना, पहचाना? हाँ। अरे रणबीर कपूर है। ओ सोहेल सर, क्या बात है, यहाँ पे शेर खान की प्रमोशन के लिए आए हैं। अरे सर अमेजिंग, अमेजिंग सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं नहीं सर, ऐसे मत बोलिए सर, कैसे नजर लगेगी सर? कॉन्ग्रेचुलेशन, हम बहुत खुश है, दिल से दुआ मांग रहे हैं सर आपके लिए। बस अब जरा मुंह मीठा करवा दीजिए। नहीं वैसे नहीं, इस बार मुंह मीठा करूंगी तो बर्फी खा के। और वैसे भी लाइफ में पहली बार इतनी हॉट बर्फी देखी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बर्फी देखी नहीं कि मक्खियां आ गई भिनभिनाने। अबे जानती नहीं उसे, इतनी अदाओं से बर्फी मत मांग, अगर उनका दिल अगर कस के बर्फी दे दी ना तो हमसे ही खट्टा मांगेगी बाद में। नहीं नहीं, What is this? नहीं नहीं, टेस्ट चेंज के लिए। लेकिन आपकी तारीफ। मैं मंत्रा, कॉमेडी सर्कस में बज रहा मेरा डंका। मेरा बहुत बढ़िया खुद का शो चालू हुआ है, डर्टी खबर। अरे अरे वही ना जो तू अकेले ही खराब कर रहा है। ए, बहुत कमाल का शो है वो। और बॉलीवुड की कौन कौन सी खबरें हम कुरेत कुरेत के लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुझे पता था कि बर्फी पहले शाइनी आहूजा को ऑफर हुई थी? क्या बात कर रहा है, तू उसने बर्फी को ना क्यों कहा? वो बर्फी का क्या करेगा, उसको घर बैठे बैठे जलेबी जो मिल गई। मेरे को पकाने का नहीं है समझे। ए विपुल कहाँ है? अरे तू तो बोल रहा था तेरे को बड़ा अच्छा पार्टनर दूंगा, कहाँ है मेरा पार्टनर यार, जल्दी बताओ। हेलो एक्सक्यूज मी मिस्टर निकोल, मैं ये सस्ते डैनी के साथ काम नहीं करूंगी, प्लीज। ए हेलो, ये कहां से तेरे को डैनी लगता है? अबे तेरे को बोल रही है। मालूम है साले, मालूम है, बोलना जरूरी था। बक्तावर सिंह, मैं डबल टकर के साथ काम नहीं करूंगा। या तो हम दोनों या फिर ये दोनों। हाँ हाँ चल भाई चल, डिसाइड। ठीक है, एक काम करते हैं, राजीव मेहरा को निकालते हैं और राजीव ठाकुर को लेके आते हैं। एक्चुअली मैंने जब से आपको देखा है पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप में और मेरे में एक केमिस्ट्री है। और अब आपके पास और आपके करीब आके मुझे ऐसा लग रहा है मैथ है, फिजिक्स है और ज्योमेट्री भी है। अरे आप यहाँ पे हाथ रखिए ना, फील फ्री, अपना ही समझिए। निकुल भाई मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मुझे आपके डिसीजन पर गर्व है, आई मीन टू से गर्व है। निकुल, राजीव ठाकुर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम राजीव मेहरा से ही काम चला लेंगे। हाँ। है ना, क्यों मत रहा है? बिल्कुल सही। वो कितना अच्छा लगता है, वेरी लवली टैलेंटेड बॉय। भाई क्या बात है अर्चना जी, हमारी जोड़ी बन गई, हम बहुत एक्साइटेड है, बड़ा मजा आएगा। चलिए लेट्स हैव अ ग्रुप हग। हाँ जैसा एक्ट हम करने वाले हैं ये ग्रुप हग ही करेगा। आओ हमारा अगला अजूबा सिर्फ अजूबा नहीं, अजूबों की जोड़ी है और इस जोड़ी ने लाफ्टर की सारी सीमाएं तोड़ी हैं। एक है E3 कृष्णा, यानी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और दूसरे हैं भोली सूरत सुदेश। कबाब में हड्डी है किसको अच्छी लगती, कृष्णा सुदेश भी हैं परेशान कि क्यों हर बार उनकी जोड़ी में टपकते हैं नए मेहमान। प्लीज वेलकम E3 कृष्णा, भोली सूरत सुदेश और उनका साथ देते दिल्ली से हमारा न्यू टैलेंट सिद्धार्थ। आपको पता है ये टॉवल के बहुत सारे फायदे हैं। कपूर भी खुश, खान भी खुश, और इसमें समोसे पैक करके लेके जाओ तो पूरन भी खुश। खैर रणबीर, मुझे ऐसा लगता है आपने फिल्मों में आने की काफी जल्दी थी, है ना, इसलिए टॉवल में ही आप स्क्रीन पर आ गए। नहीं मेरा मतलब अगर टॉवल गिर जाता तो? नहीं नहीं, नुकसान नहीं होता आपका।
अगर टॉवल गिर जाता ना तो महेश भट्ट साहब जिसम तुम्हें सनी लियोनी जगह आपको ले लेते, सच्ची बता। प्रमोशन के लिए मैं तो खुद परेशान हूँ शेरखान के प्रमोशन से। नहीं, एक सच्ची, एक दिल से बात बोलूं, वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर टुडे, रणबीर कपूर, इनके लिए जोरदार ताली। चलिए तारीफ हो गई, अब बात करते हैं सर। अच्छा सर, ये बर्फी बनने में कितना वक्त लगा सर? कुछ एक साल। साल भर? अनुराग बासु इज टू स्लो यार, बहुत स्लो। इससे अच्छा तो हमारा छगन हलवाई दो दो मिनट में बर्फियां बनाकर देता। आपने रणबीर एक फिल्म की थी रॉकेट सिंह, आपको पता है? वो आपको पता, इसको मिलने वाली थी पहले। रॉकेट सिंह के ऑडिशन के लिए गया था, सिलेक्ट भी हो गया था, इसे ना कर दिया, कहते नहीं मुझे रॉकेट बना रहे, आग पता नहीं कहां से लगाएंगे। आपको पता एक बात, रणबीर के हमारे परिवार और आपके परिवार का काफी एक जोड़ रहा है। चीची मामा ने करिश्मा जी के साथ इतने साल काम किया और चिंटू जी के साथ भी इतनी सारी हिट फिल्में थी, अगर आप चाहते तो हम ये लेगेसी आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब मेरे पास डेट है, ऐसी कोई बात नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे, वैनिटी में शो के बाद, है ना। कुछ पेपर में आजकल आ नहीं रहा आपके बारे में, मतलब कुछ लिंक आपसे समझो। नहीं, अभी नहीं, बाद में, अभी मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने कहा ना, अभी मैं कोई बात नहीं सुन सकता, जब तक मैं फोन ऑन नहीं करूंगा मैं कोई बात नहीं सुन सकता। राजू तो तू तो कहते सुपरस्टार बड़े बिजी होते हैं, वो तो इधर बैठे हैं, एक डायलॉग भी नहीं दिया उनको सारे, मैं ही बोल रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? अरे यार, हमारे शो पे इतना बड़ा स्टार आया यार, उसके सामने ऐसी बातें करते हैं? यार ये स्टार कब से बन गई अर्चना जी? अबे पागल, मैं अर्चना जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सोहेल खान की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कुछ तो किया होगा कि कॉमेडी सर्कस वाले इनको फिर से लेकर आए एक एपिसोड के लिए। क्या बकवास कर, एक एपिसोड के? हाँ। तो पूरे सीजन में नहीं है ये? नहीं है। ओहो, ये तो अच्छा ही हुआ। ये बंदा ठीक नहीं था, मुझे शुरू से अच्छा नहीं लगा। मतलब ये दिल का अच्छा नहीं है, है? क्या बकवास कर रहे हो यार, इतना भी खुला दिल क्या हुआ? 2% का कोई आर्टिस्ट होता उसको घड़ी दे देते हैं। किसको दी बे? तेरे को दी नहीं उस दिन। ये बकवास करते हैं, आपको पता है कितनी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे? क्या हुआ क्या? अरे एक एक तड़का लेकर आए ये लोग ऐसे, ये मेहरा साहब, कोई शर्मा साहब। तो फिर क्या हो गया यार, किसी को कोई कुछ भी दे, हमारी जोड़ी नंबर वन है। मुझे लगता है कि अगर हमारी जोड़ी अच्छी नहीं होती तो हमें भी डर था कोई बच्चा ना हमें उठा के दे देते। हाँ यार, हाँ ये अच्छा रहा कि हमें भी कोई अच्छा दिया। हेलो, हाँ मम्मी, दोनों खड़े हुए, वो ज्यादा स्मार्ट है सुदेश। कृष्णा तो ऐसा ही लड़के जैसा है, सुदेश तो एकदम बुढ़ा होके भी हैंडसम है। हाँ ठीक है, और कैसा है कृष्णा? ए, कौन है तू? मुझे क्यों? ये साला एक्टिंग कर रहा है। एक मिनट, किसने भाग लो तू? उसको थप्पड़ मार रहा तू? मैं मर गया हूँ क्या? कौन है तू? सर मेरा नाम सिद्धार्थ है सर। अरे हो ही नहीं सकता, सिद्धार्थ नाम के आदमी हैंडसम हो ही नहीं सकते यार, क्या बात कर रहा है? सर शकल पे मत जाओ सर, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत टैलेंटेड हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, सच। बेटे जरा, हम दोनों में से तू ज्यादा फैन किसका? सर मैं आप ही का सबसे बड़ा फैन हूँ सर, और मैं कृष्ण भैया की तरह बनना चाहता हूँ। फैन मेरा बनेगा कृष्णा की तरह? और बेवकूफ है तू। सॉरी सर, गलती हो गई, एक्चुअली सर मैं फैन भी आपका हूँ, मैं बनना भी आपकी तरह चाहता हूँ। ज्यादा चापलूस है यार। अबे कृष्णा बनना कोई आसान नहीं है बे। हाँ। 400 एपिसोड किए, ऐसे ऐसे कैरेक्टर क्यों कर नहीं सकता? क्या महिला सब बहुत दुखी करे मेरे को, क्या सलाह दुखी करा है, इधर तंबाकू खा के बैठी है, तंबाकू खा के बैठ जाती लड़कों का पद। ए साले, वो दुखी करे मेरे को, दूं क्या कान पे, सलाह दुखी करता है तेरी माँ का सकीना का साले, एक से एक करता है। पहचाना सर, मैं आपको फ्लाइट में मिली थी रणबीर सर, डॉली 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 सर, डॉली सर।